व्यूअर्स, वेलकम टू एचवीएसी सिंप्लीफाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। व्यूअर्स, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फ्रेशर रिक्वायरमेंट फॉर एचवीएसी सिस्टम। व्यूअर्स, इसकी रिक्वेस्ट मुझे वन ऑफ द व्यूअर्स सिराज अहमद के द्वारा कल की गई थी, क्योंकि ये जानना चाहते थे कि फ्रेशर रिक्वायरमेंट क्यों होती है और फ्रेशर किस प्रकार से एचवीएसी सिस्टम में दिया जाता है। तो मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि फ्रेशर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होनी है और इसे किस प्रकार से एचवीएसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेशर की रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाई डू वी नीड फ्रेशर? एवरीवन नोज इट्स एन इम्पोर्टेंट टू इंट्रोड्यूस फ्रेशर इनटू एन ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, यानी किसी भी ऑक्यूपाइड बिल्डिंग में फ्रेशर को इंट्रोड्यूस करना अनिवार्य होता है। यहाँ पर हम फ्रेशर रिक्वायरमेंट जो है इंटरनेशनली एशरे वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं। एशरे में डिफाइन किया गया है किसी भी ऑक्यूपाइड जोन के लिए बेस्ड ऑन द ऑक्यूपाइड जोन, फॉर एग्जांपल क्लासरूम्स है, ऑफिस बिल्डिंग्स है, और इसी प्रकार से इनके एशरे की वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट दी गई है, फ्रेशर की रिक्वायरमेंट दी गई है जो आप वहाँ से ले सकते हैं। इस फ्रेशर की वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट को आपको आपके एचवीएसी हीट लोड कैलकुलेशन में इंट्रोड्यूस करना होता है। तो वहां से आपको जब आपका हीट लोड कैलकुलेशन आप करते हैं वहां पर आपको इसकी रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन योर जोन उस हिसाब से आपको फ्रेशर की सीएफएम रिक्वायरमेंट आपको देनी होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्रेशर रिक्वायरमेंट फर्स्ट जो होता है जिसे अनट्रीटेड फ्रेशर कहा जाता है। फ्रेशर अनट्रीटेड फ्रेशर में दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक विदाउट फैन होता है और एक होता है विद फैन। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सेकेंड टाइप होता है ट्रीटेड फ्रेशर, जिसे हम फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट के द्वारा इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैं आपको एक ड्राइंग के द्वारा, राइजर डायग्राम ड्राइंग के द्वारा मैं आपको इन तीनों एग्जांपल्स को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर राइजर डायग्राम द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ताकि हमें इसे समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और रूफ फ्लोर बना हुआ है, जिसके फ्रेश एयर का राइजर यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ पर फ्रेश एयर को राइजर द्वारा, यानी फ्रेश एयर शाफ्ट के द्वारा फ्रेश एयर को राइजर में से डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स में एंटर किया जाता है और उसे एयर हैंडलिंग यूनिट और फैन कॉइल यूनिट के पीछे, यानी मिक्सिंग बॉक्स में कनेक्ट किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीएफएम और लीटर पर सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेश एयर। यानी फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट के अनुसार हर फैन कॉइल यूनिट को प्रेशर डक से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ क्योंकि फ्लोर्स की रिक्वायरमेंट कम है और डक की लेंथ कम है, इसीलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्रेश एयर डक दिया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं ये फ्रेश एयर सीएफएम स्टैंडर्ड फ्रेश सैंड ड्रॉप लूअर के द्वारा फ्रेश एयर यहाँ से एंटर कर हो जाती है और इंडिविजुअल फ्लोर्स पे इसे सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर फ्रेशर डक की जो लेंथ है, इसकी एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर जो है वो ये फैन कॉइल यूनिट और एयर हैंडलिंग यूनिट से ही कंपेंसेट किया जाता है, क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है। इसीलिए अगर इसका जो फैन है, फैन कॉइल यूनिट और एयर हैंडलिंग यूनिट का फैन अगर केपेबल है इसको कंपनसेट करने के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ स्टैंडर्ड फ्रेशर डक दी जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा फ्रेश एयर फैन, यानी सेम अगर फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग की लेंथ या डिस्टेंस काफी लंबा है और फ्रेश एयर की लेंथ काफी ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर तक मैंने इसको ये बिल्डिंग का राइजर का एग्जाम्पल लिया है, और आप देख सकते हैं इसकी राइजर की लेंथ और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको फ्रेश एयर फैन इंट्रोड्यूस करना होता है और इस फ्रेश एयर डक का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर में आपको इंडिविजुअल फैन कॉइल यूनिट या इंडिविजुअल एयर हैंडलिंग यूनिट को कंसिडर नहीं करना होता है, क्योंकि ये लंबी डक्ट है और काफी लेंथ होती है इसकी, तो इसीलिए फ्रेश एयर फैन इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन दोनों एग्जाम्पल में ये आउटसाइड एयर, डायरेक्ट आउटसाइड एयर इंट्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पर जो आपकी एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, आपका आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिड, अगर आप हॉट क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पर विदाउट फैन है और यहाँ पर
एक फ्रेश एयर फैन लगाया गया है क्योंकि इसका एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर डक्ट का ज्यादा हो जाता है। लेकिन दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है कि ये आउटसाइड अनट्रीटेड एयर जिसे कहा जाता है, जो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिड होती है, उसे एयर हैंडलिंग यूनिट में रिटर्न एयर के साथ मिक्स किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल जो है फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, यानी इसी प्रकार से किसी भी बड़ी बिल्डिंग में आपको एक, इसे DOAS भी कहते हैं, डेडिकेटेड फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, या डेडिकेटेड फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट भी कहा जाता है। यहाँ पर एयर को उसी प्रकार से इंडिविजुअल फैन कॉइल यूनिट्स या इंडिविजुअल एयर हैंडलिंग यूनिट्स में पहुंचाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट आउटसाइड एयर नहीं लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आउटसाइड एयर को आप यहाँ पर ट्रीट करते हैं, यानी आप इसको यहाँ पर एयर को डिह्यूमिडिफाई करते हैं और नॉर्मल एयर टेम्परेचर पे यहाँ पर आप इसको टेम्परेचर कम करके और इसकी ह्यूमिडिटी कम करके आप इसको इंडिविजुअल फैन कॉइल यूनिट या इंडिविजुअल एयर हैंडलिंग यूनिट में डिपेंडिंग ऑन द एयर फ्लो रिक्वायरमेंट इसको पहुंचाते हैं। तो इन दोनों केस, इन तीनों केसेस में, ये तीन केसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट जो होता है, छोटी स्केल के बिल्डिंग्स के लिए आप फैन की आवश्यकता नहीं होती है, अगर आपका इंडिविजुअल एयर हैंडलिंग यूनिट और इंडिविजुअल फैन कॉइल यूनिट का फैन केपेबल है इस स्टैटिक प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए। नेक्स्ट होता है हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए, यानी लॉन्ग रन्स के लिए आपको फ्रेश एयर फैन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ताकि यहाँ पर आप इंडिविजुअली इस फ्रेश एयर डक्ट को कंट्रोल कर सके, यानी इंडिविजुअल इसका स्टैटिक प्रेशर हैंडल कर सके। इसी प्रकार से ये अनट्रीटेड फ्रेश एयर होती है और ये ट्रीटेड फ्रेश एयर होती है। यहाँ पर मैं आपको दोनों का डिफरेंस और रीजन बता दूं, ताकि आपको एक, ये एक्चुअली मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए, लेकिन यहाँ पर मैं इन शॉर्ट आपको जस्ट समझने के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पर फ्रेश डेडिकेटेड फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट क्यों यूज करते हैं और इन दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनट्रीटेड एयर है। अनट्रीटेड एयर जब आपके एयर हैंडलिंग यूनिट और फैन कॉइल यूनिट से मिक्स होती है तो इसका ऑन कॉइल टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और ट्रीटेड एयर जब आप इसमें मिक्स करते हैं तो इसका ऑन कॉइल टेम्परेचर जो है, यानी मिक्स एयर टेम्परेचर जो है, वो कम हो जाता है। इससे आपका जो इंडिविजुअल एयर हैंडलिंग यूनिट या इंडिविजुअल फैन कॉइल यूनिट है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है।